देख रहे हैं मिशन 2019 पर अब की बार किसकी सरकार, न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल, और जिस में हम बात कर रहे हैं इस बार राजस्थान की, तो एक क्विक रिकैप आप लोगों को दे देते हैं कि हमारे ओपिनियन पोल में क्या कुछ निकल कर आया है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं मौजूदा हालात में। सबसे पहले वोट फीसदी आपको बता देते हैं, बीजेपी को 40% वोट मिलते दिख रहे हैं, कांग्रेस को 35% और अन्य के खाते में 10%, और नहीं कह सकते कि तादाद अच्छी खासी है, 15% जिनके ऊपर काम करने की दारोमदार होगा हर पार्टी लीडर पर। और सीट में से कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी को यहां पर 16 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जा रही हैं, अन्य को एक भी सीट नहीं मिल रही है, तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पिछले लोकसभा चुनावों के लिहाज से 25 सीटों से 16 पर। और आइए अब दिखाते हैं आपको राहुल मोदी ट्रैकर, जिसमें हम आपके साथ प्रस्तुत करते हैं हर राज्य में लोग राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना लोकप्रिय मानते हैं, राजस्थान की जनता क्या मानती है, आइए अब आपको दिखाते हैं। मोदी राहुल ट्रैकर में अभी जो डेटा है वो हम आपको राजस्थान का दिखा रहे हैं, जिसमें कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस आधार पर कहा जा रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47% लोगों की पसंद है, जबकि राहुल गांधी 31% लोगों की पसंद है प्रधानमंत्री के तौर पर। ये अभी डेटा सामने आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, आपने जो बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे पहली पसंद है प्रधानमंत्री के तौर पर, यह तो हमारे इस ओपिनियन पोल से भी निकल कर आ रहा है, लेकिन मैं आपसे वही सवाल एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि सिर्फ मोदी जी के कंधे पर राजस्थान की नैया कैसे पार लगेगी। देखिए, ये जनरल इलेक्शन है अभय जी, और जनरल इलेक्शन में जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है जी जी, वो महत्वपूर्ण होता ही है इस इलेक्शन में। अच्छा, इसके आपके इस वोटिंग पैटर्न की एक मैं बात करूंगा, आपने 10% अन्य के खाते में जाते हुए जो लगा है ना जी, मुझे लगता है कि यहाँ डायरेक्ट फाइट ज्यादा होने की संभावना है, डायरेक्ट फाइट। ये 10% वाला फैक्टर राज्य विधानसभा में तो रहा होगा जी, लेकिन ये लोकसभा में रहता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, जो मैं फील्ड में घूमता हूँ और देखता हूँ जी। अर्जुन राम मेघवाल, लोकप्रियता का जो आंकड़ा है जी, जी, वो काफी, जो हम फील्ड में घूमते हैं उसके अनुरूप ही आपका आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, चलिए एक बात और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि अगर इस आंकड़े को देखें, मोदी जी निश्चित तौर पर लगभग 50% के साथ क्लियर कट विनर हैं, लेकिन जो मार्जिन उनका राहुल गांधी के साथ लोकप्रियता के आधार पर पहले रहा करता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि राहुल गांधी भी गेन कर रहे हैं, 31% पर आ गए हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी को भी अब उतना हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये 2014 वाले राहुल नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नरेंद्र मोदी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं राहुल गांधी लोकप्रिय ये कितने हैं, कितने परसेंट है, मैंने परसेंटेज नहीं बताया जी। मैंने कहा सर्वाधिक लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नजर आते हैं जनरल इलेक्शन में जी, उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय नरेंद्र मोदी है। चलिए पवन खेड़ा जी, ये सवाल आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी लगातार अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब 2014 में न्यूज नेशन ने अपना ओपिनियन पोल किया था और पूछा था हमने जनता से कि प्रधानमंत्री पद पर राहुल गांधी को कितने लोग देखना चाहते हैं, 7% जनता ने देश में कहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, आज वो आंकड़ा औसतन 30 के ऊपर है, क्या ये काफी है राहुल गांधी के लिए, या दरअसल आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। अजय जी, बढ़ोतरी तो निश्चित होगी और आप देखेंगे ये बढ़ोतरी, और बिना किसी अहंकार के मैं बोल रहा हूं, ये बढ़ोतरी कहीं ज्यादा होगी। अर्जुन राम मेघवाल जी से फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे, ये उम्मीद करता हूँ, फिर इस पे चर्चा करेंगे। मेघवाल जी, राजस्थान की जनता विशेष तौर पे मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, व्यक्तित्व पे नहीं लड़ती। राजस्थान को मैं भी आपसे कम जानता हूँगा, लेकिन जानता हूँ, वहीं की पैदाइश हूँ। मोदी जी तो बहुत छोटी बात है, राजस्थान ने ऐतिहासिक रूप से बादशाह सलामत जो अपने आप को कहते थे उनको भी नाकों चने चपवा दिए। राजस्थान ने मोदी जी को स्वीकार अब नहीं किया है, अब वो बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े हैं। आप वहां के बेरोजगार नौजवानों से पूछ लीजिए, किसानों से पूछ लीजिए, हो सकता है आपके सामने डर के मारे नहीं बताते हो, लेकिन वोट तो वो बिना डर के देते हैं, बिल्कुल निडरता से। अरे, कोई डर नहीं है बोर खेड़ा जी, किसी जिस तरह से अपनी बात रखी आप, अपने भाषण को इतनी गालियां दे रहे हो, जो बात रखी आप डर की बात कर रहे हो। नहीं, आप कौन, काय का डर है, कोई डर नहीं है जी। नहीं, हम तो कभी किसी को गाली देते नहीं। इतनी गालियां मोदी जी को पड़ रही है, कोई गाली नहीं देते, हम तो बादशाह सलामत कह रहे हैं, उनको क्यों गाली दे रहे? ये पहला प्रधानमंत्री है जिसको इतनी गालियां पड़ रही है आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और फिर आप डर की बात कर रहे हो। मेघवाल जी सुन लीजिए,
मेघवाल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, विपक्ष जो है वो जनता की आवाज आप तक पहुंचाता है, तो अगर गालियां आ रही हैं विपक्ष को के मुंह से तो वो जनता की आवाज है, उसको आप बुरा मत मानिए, जनता तो प्रसाद देती है, स्वीकार करिए, उसमें आप घबराते क्यों हैं? मोदी जी से कोई डरता नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूं आपकी बात, मोदी जी पर लगता है कि सब उससे डरते हैं, आप भी इस डर से बाहर निकलिए, तो मैं आपको कह रहा हूं, आप तो राजस्थान के इतने वरिष्ठ नेता हैं, मत घबराइए मोदी जी से, मत डरिए। अब मेरी बात आगे तो बीच में नहीं बोला आपके, मैं आपको जरा याद दिला दूं, जयपुर में खड़े होकर मोदी जी ने कहा कांग्रेस की विधवा, ये भाषा किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, कम से कम राजस्थान की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, राजस्थान की जमीन पर खड़े होकर इस तरह की अमर्यादित भाषा, ये मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता मेघवाल जी, माफ कीजिएगा, ऐसी बात तो आपके मुंह से भी शोभा नहीं देती कि आप ऐसे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हो जो वहां खड़े होकर कहते हैं कांग्रेस की विधवा, आपने नहीं, माफ कीजिएगा, गलत बात हुई, चोर है, ये भाषा आपको शोभा देती है पवन खेड़ा जी, नहीं, ये भाषा आपको शोभा देती है, जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी करके लाओ, प्रधानमंत्री चोर है, तो आप मुझे याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री गवार है, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, ये आपने भाषा करी प्रधानमंत्री के लिए, ये शोभा देती है आपको, इतना गुस्सा कांग्रेस जिस पार्टी ने इतना राज किया इस देश में, एक बार ये गरीब आदमी, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा नहीं, इतना गुस्सा नहीं, ये आपकी पीड़ा है मेघवाल जी, इतना गुस्सा आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता, कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कैसे कह रहे हो, तो फिर आप कोई गरीब नहीं है प्रधानमंत्री हमारा, इसलिए अब आप शांति से सुन लीजिए, इतना गुस्सा शोभा नहीं देता, अरे साहब इतना शोभा, इतना गुस्सा शोभा नहीं देता, बीच में क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा जब मैं खत्म करूं अपनी बात तो आप भी बोल दीजिएगा, मतलब ऐसा आप, तो मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, बोली आप, थोड़ा सम्मान तो मैं आप ही से सिखाऊं, राजस्थान के लोग तो ऐसी बात नहीं करते जैसी आप कर रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए, मैं अपनी बात, मेरे को एंकर रोकेगा तो रुकूंगा, आप मत रोकिए, मैं आपके रोकने से नहीं रुकूंगा, माफ कीजिएगा, तो आप तो रोकने की कोशिश भी मत करिएगा मुझे, अच्छा चलिए, और अगर अजय जी बोलेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, तो भैया नहीं रोक रहा, मैं बीच में मत बोलिएगा, एंकर जी को ही कह रहा हूं, अच्छा। तो मोदी जी, ने जो वादा खिलाफी की है, अरे मेघवाल साहब जी, आप जी, मेरा आग्रह है, आप बहुत जल्द से अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि मेघवाल जी से जवाब लेंगे, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं जानता हूं वो हमसे अलग होना चाहते हैं, उन्हें एक बहुत बिजी बीच में लेकर आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं संक्षेप में अपनी बात, अजय जी ये बात ठीक नहीं है कि मेरी हर एक बात पे ये बीच बीच में टोकते रहे और आप फिर मुझे कहो मेरा समय सीमित है तो माफ कीजिएगा, मैं चुप नहीं, बात बोलिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, देखिए या तो आप इन्हें बोलिए, मुझे बोलिए तो सही, आप बोलिए, मेरी बात मैं पूरी करूंगा, नहीं करते आप बोलिए, आग्रह तो आपका स्वीकार करता हूं सादर, जी जी आग्रह है मेरा, मैं बोलूंगा बीच में कोई नहीं बोले, जी जी बिल्कुल बीच में नहीं बोले, जी बोलिए, जो धोखा दिया है नरेंद्र मोदी ने इस देश को, जी वो ये कोई भूल नहीं सकता ये देश, और धीरे धीरे जो ये अदर्स और ये जो आप कैटेगरीज दिखा रहे हैं, आप देखिएगा एक महीने बाद आपका सर्वे, मैं उम्मीद करता हूं फिर से होगा जी, न किसान इन्हें माफ करेगा, ना छोटा व्यापारी इन्हें माफ करेगा, ना बेरोजगार नौजवान इन्हें माफ करेगा, न मध्यम दर्जे के उद्योगपति इन्हें माफ करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जो 5 उद्योगपतियों के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, इस देश को स्वीकार नहीं हो सकता, और कम से कम राजस्थान की जनता को तो कतई स्वीकार नहीं हो सकता, मेघवाल साहब इसका छोटा जवाब दीजिए प्लीज, इस तरह की बदजुबानी जो नरेंद्र मोदी जी और उनके लोग करते हैं वो भी राजस्थान को कभी स्वीकार नहीं होगी, चलिए खेड़ा जी जवाब ले लें, मेघवाल जी जवाब दें, पवन खेड़ा जी मैं आपका सम्मान करता हूं, अब आप मैं लास्ट में बोल के मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, लेकिन मैं निश्चित कह रहा हूं आपको, पवन खेड़ा जी आप भी फील्ड में घूमते हैं, मैं भी फील्ड में घूमता हूं, मैं कह रहा हूं कि मई आ रही है, आ ही रही है मई, इस देश का मान और सम्मान जितना मोदी जी ने बढ़ाया है ना, इतना आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया, ये भी जनता जानती है, और ये मई में साबित हो जाएगा, जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस मोदी जी ने दिया, और जो मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित होगी, मोदी जी भी हिसाब देंगे, हम भी हिसाब देंगे, और आप भी इस चैनल पे हमें दोबारा मिलेंगे, और मई में मिलेंगे, मई में ही मिलेंगे, चलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आप हमारे साथ रहे इस वक्त, और आइए इसके साथ, जी और आइए इसके साथ मैं जवाब दूंगा, जी आइए इसके साथ, खड़े साहब मैं क्षमा चाहता हूं, आइए इसके साथ जरा हम आपके सामने कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करें, क्योंकि राहुल मोदी ट्रैकर हम हर राज्य में कर रहे हैं और राज्यवार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा
मौजूद है। आइए आपके सामने प्रदर्शित करें कि किस तरीके से जब आप देखते हैं तो राजस्थान में जो स्थिति है, 47% लोग अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और 31% पसंद करते हैं राहुल गांधी को। लेकिन जब राज्यवार हिसाब से हम चलें, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री को 37% लोग पसंद करते थे, हिमाचल में 47% आंकड़ा गया, पंजाब में गिरकर 38%, दिल्ली में यह बढ़कर 39%, हरियाणा में आप देखिए किस तरीके से, राजस्थान में 47%, राहुल गांधी का आंकड़ा भी 30% के आसपास रहा। लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा राहुल गांधी के लिए चिंता की बात है, सिर्फ 19% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं दिल्ली में। यह अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और शायद पवन खेड़ा जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। पवन खेड़ा जी, ऐसा क्यों है कि औसतन 30% से ऊपर राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग हमें अभी तक सभी राज्यों में मिलती दिखी जहां जहां हमने ओपिनियन पोल किया, लेकिन दिल्ली की जनता राहुल गांधी को बहुत पसंद नहीं करती, क्या बात है? देखिए, दिल्ली में आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर एक कॉन्टेस्ट दिख रहा है जी। दिल्ली में अभी पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जनता 3 हिस्सों में बंटी हुई, तो वहां का यह आंकड़ा मुझे ज्यादा चौंका नहीं रहा। धीरे धीरे जब झुंझुनू लोकसभा चुनाव करीब आएगा जी, त्यों त्यों लोग अपना मन एकदम स्पष्ट बना लेंगे कि भाई ये जो तीसरा है इसका कोई योगदान केंद्र में नहीं होगा, ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होगी। फिर आप देखिएगा ये आंकड़ा भी बदलेगा। मैं सिर्फ एक लाइन में अर्जुन मेघवाल जी को सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अभी मोहन जी भागवत ने कहा कि इतने सैनिक क्यों मर रहे हैं, उन्हें तो जवाब दे दीजिए, हमें मत दीजिए। उन्होंने तो कई प्रश्न पूछे हैं, मोहन भागवत जी को उत्तर दे दीजिए, शायद आधे उत्तर देश को भी मिल जाएंगे, हमें मत भाषण दीजिए, जहां उत्तर अच्छा, देना है वहां तो दे दीजिए। खेड़ा जी, एक सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है अकेले अपने बल पर मोदी जी की लोकप्रियता को पार नहीं पा रहे हैं, चाहे वो ओपिनियन पोल भी कह रहा हो और एक आम ओपिनियन जो धारा है लोगों की, और विपक्ष भी ये कह रहा है, और इसीलिए यहाँ पे प्रियंका की एंट्री आप लोगों ने करवाई है, आपको लगता है कि इससे असर पड़ेगा? ये प्रश्न अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछती कि क्या राहुल जी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है मेरा उत्तर अलग होता। अब 2018 के तमाम चुनाव उठा के देख लीजिए, मैं गुजरात की तो बात ही नहीं कर रहा जहां इनको पसीने छूट गए, 150 की बात करते थे, 99 के फेर में पड़ गए। 2018 का एक भी चुनाव कर्नाटक से शुरू कीजिए और अभी जो 5 चुनाव अभी संपन्न हुए वहां देख लीजिए, अकेले राहुल गांधी ने नींद उड़ा के रख दी नरेंद्र मोदी जी और उनके मुनीम जी जो है अमित शाह जी, उन दोनों की। तो ऐसी बात तो आप मत करिए कि राहुल गांधी ने, अरे राहुल गांधी के अलावा विपक्ष का कौन नेता था जो रफेल पूछने की हिम्मत करता था, और आज तक रफेल पे प्रश्न जब जब हम पूछते हैं पूरा मंत्रिमंडल रात भर जागता रहता है। तो आप प्रियंका जी और आ गई, आप तो मुझे लगता है इनके पन्ना प्रमुख, इनके धन्ना प्रमुख सबके सब रथ जगह करेंगे, सो नहीं पाएंगे। चलिए, ये एक और एक ग्यारह होते हैं है, या फिर परसेप्शन की पूरी लड़ाई एक होती अकेला है, उसने कि आप बोलते रहे, करना था रही कर दिखाया, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, इंतजार सभी को रहेगा। सनी साहब से जरा ये समझना चाहेंगे, सनी साहब, जो राजस्थान में लोकप्रियता का आधार देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी अधिकाय लोगों के या बहुताय लोगों की पसंद है। राजस्थान में आमतौर पर बीजेपी की छवि अच्छी रही है, तो मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या मतलब है इसका। देखिए जी, इसका मतलब ये है कि राजस्थान के लोग समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें सांसद चुने जाते हैं और उसके बाद में नेता बनता है जी। लेकिन जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, ये तो एकमुखी पार्टी हो गई, यानी कि कोई डेमोक्रेटिक पार्टी तो रही नहीं। और इनके जो मंत्री हैं वो जिस तरीके का, अर्जुन मेघवाल जिस तरीके की वकालत कर रहे थे और जिस तरह की बातें कह रहे थे, ये बड़ी अपमानजनक लगती है। ये कोई पार्लियामेंटेरियन का वो नजर नहीं आता, ये लगता है कि प्रशस्तिकरण हो रहा है। राजस्थान में लोग मरे जा रहे हैं, किसान मर गए, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और आप कहते हैं कि मोदी लोकप्रिय है। आप देखिए तो सही, मैं कहता हूं कि राजस्थान में वसुंधरा लोकप्रिय थी, लेकिन दिन पर दिन जिस तरीके से सारी चीजें बदली हैं, यही सवाल नतीजा ये होगा कि आज की तारीख में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपने अपने हिसाब से सारी बातें कही है। मैं कहना यह चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अलोकप्रिय हो रही है बड़ी जोरों के साथ में। उसका कारण यही है कि जिस तरीके का नेतृत्व है वो डेमोक्रेटिक नजर नहीं आता है, वो डिक्टेटिंग करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, यहाँ पर दूसरे लोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो डेमोक्रेटिक सारे स्वरूप को चलाते थे, ये डेमोक्रेटिक स्वरूप कहाँ है? चलिए, यहाँ पर अर्जुन मेघवाल जिस तरीके से वकालत कर रहे हैं राजस्थान में, किसान मारते रहे उनके बारे में, कट गए थे, सब कुछ शाइन कर रहा था, जमीन से कट गए थे और नतीजों ने सबको चौंका दिया था। क्या एक बार फिर
बीजेपी के लिए अलार्मिंग बेल है, अभी भी 3 महीने का वक्त बाकी है। नहीं, बिल्कुल, ये हाइप जो बीजेपी ने जो क्रिएट किया तब भी क्रिएट किया था और अभी भी जो कर रहे हैं कि अभी भी कर रहे हैं कि ये, अच्छा 2 करोड़ नौकरियां देंगे उन्होंने कहा था जब 2014 में, तो वो सवाल अभी भी रेलेवेंट है और इसीलिए लोग भी देख रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन जो उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए पारित किया, ठीक है, पार्लियामेंट से, तो वो जो, क्योंकि वो वादा जो है पूरा नहीं हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत बहुत ही अहम सवाल है। मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं, जब हमने पूछा कि सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा, हमारे 51% रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि हाँ इसका फायदा मिलेगा और ये अच्छी बात है, जबकि सिर्फ 35% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि अच्छी बात नहीं है। तो लगता है कि ये 10% का जो फॉर्मूला है ये शायद बीजेपी के लिए काम करेगा, क्या कहती हैं आप? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी वो समझ भी जो है लोगों में अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे आएगा, क्योंकि वो जो 10% जो आप रिजर्वेशन देंगे उसमें भी तो एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन लागू होगा, वो तो ये आप उसको आप कैसे नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि इट हैज टू अप्लाई, वो भी जनरल के कांटे से ही कट के ही निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल वो वहां अप्लाई होगा, तो ये बात मतलब आधा आधा जो है लोगों को पता है और अल्टीमेटली लोगों को लोग तो ये सवाल पूछेंगे, अगर आपको नौकरियां क्रिएट करनी ही थी तो आखिर मौके पर क्यों कर रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब की बार किसकी सरकार, हर हफ्ते आपके सामने हम लेकर आते रहे हैं। अगले हफ्ते हम आपके सामने उत्तराखंड की तमाम तस्वीर प्रस्तुत करेंगे पूरे हफ्ते, और उसके बाद शुक्रवार को फिर उत्तराखंड की पूरी ओपिनियन पोल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बन रही है न्यूज़ नेशन के साथ। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।